भाई दोनों देखो कैसे लड़ रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी आई हूँ मैं गौशाला। अर्ली मॉर्निंग सेम रूटीन, तो मुझे रोज़ सुबह सुबह गौशाला आना पड़ता है एंड गौशाला का सारा काम करने के बाद जाती हूँ मैं घर। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। यहाँ पे मेरे सास कुत्तों को रोटी दे रही है, बहुत ही चाव से खा रहे हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे कुत्ते हैं, पता नहीं कहाँ से हमारे पीछे आगे दौड़ के। डॉगी क्यों बुझल है रोटी खानी, पेट वहाँ सारा सच है जिन जीण दी तरह भगवान ने ना रिस्क भी दी तरह हो आते हैं बीन बहनी कर दिया हूँ जुगवार ये होगा सब हल्का हल्का हूँ। सो गाइज, फाइनली मैंने गौशाला का सारा काम कर लिया है और आज हम अपने बैलों को ले जाएंगे खेतों में हल जोतने। सो गाइज, मैं और मेरी सास बैलों को खेतों तक पहुँचाएँगे एंड उसके बाद भैया आएंगे और वो हल जोतेंगे और मैं घर चली जाऊँगी। सो गाइज, ये है जोड़ा जिससे बैलों को जोड़ा जाता है इसके साथ, एंड चूहों ने इसकी रस्सी काट ली थी और अभी दूसरी वाली रस्सी लगाई है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा चूहे हो गए हैं यहाँ पे। सो गाइज, अभी पहुँच गए हम खेत में और इन बैलों ने हमें बहुत भगाया, स्पेशली इस काले बैल ने। अभी दिखाती हूँ, ये महान बैल हमारा। ये देखो, ये कैसे मारने के लिए बेताब हो जा रहा है, हर बार ऐसा ही करता है ये। ये देखो कितना गुस्सा दिखा रहा है, इसने बहुत भगाया मुझे। और अभी बज गए हैं सुबह के 9 और धूप बहुत ही ज़्यादा शानदार लगी हुई है यहाँ पे। सो गाइज, ये देखो सामने लोगों ने लकड़ी फाड़ के रखी हुई है, ये है शीश की लकड़ी। हमारे गांव में शीश बहुत ही ज़्यादा थे और अभी कुछ दिनों पहले हमने सारे शीश खानों को दे दिए। और ये जो लकड़ी लोगों ने फाड़ के रखी हुई है, ये फंक्शन के लिए है। जिन लोगों ने ये लकड़ी फाड़ी है उनकी बेटी की शादी है कुछ दिनों बाद, एंड हमारे यहाँ लकड़ियों की कोई कमी नहीं है। और ये है हमारी पहाड़ों की सीनरी, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। ये लोगों ने, ये जो सामने दिख रहा है पेड़, यहाँ पे लोगों ने घास रखा हुआ है पशुओं को खिलाने के लिए, और जब ख़त्म हो जाता है तो ये यहाँ से ले जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। एंड ये है मैल, जिसे हम अपनी भाषा में गोबर कहते हैं। इसे हमने यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है, गौशाला से लाते हैं हम रोज़ सुबह और इसको अगली फसल में खेतों में फेंकेंगे। अगली फसल आएगी मक्की की, उसमें फेंकेंगे ये मैल। तो गाइज, ये है हमारा खेत, ये जो लकड़ियाँ रखी हुई हैं यहाँ से स्टार्ट है ये और ख़त्म होता है बहुत ही पीछे जाके। ये जो सामने दो घास के पेड़ दिखाई दे रहे हैं इनसे भी पीछे जाके ख़त्म होता है। ये बहुत बड़ा खेत है हमारा, सामने मतलब ये जो सबसे पीछे हैं दो यहाँ पे, इससे भी पीछे जाके ख़त्म होता है ये। और इस वाले खेत में जोतेंगे आज हल, और आज हमारे बैलों को आ जाएगी अपनी नानी याद। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे मार रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, अभी निकल जाएगा तेरा सारा गुस्सा यहाँ खेतों में। सो गाइज, ये है बिहुल का पेड़ एंड इस पे भी लोगों ने अपना घास रखा हुआ है, और यहाँ पे भी सारी जगह रखा हुआ है लोगों ने, और ये सामने हमारा भी है। जब ख़त्म हो जाता है गौशाला में तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके ले जाते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि घास को एक साथ इकट्ठा नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें चूहे लग जाते हैं और सारा घास काट देते हैं फिर, इसलिए पेड़ों पर रखा जाता है। और फिर जब ख़त्म हो जाता है तो यहाँ से बारी बारी थोड़ा थोड़ा करके ले जाते हैं। आधा घंटा हो गया और भैया अभी तक नहीं आए हैं, और पीछे बैलों ने भी अपना सारा घास ख़त्म कर लिया है और थोड़ा सा रहा है, पता नहीं कब तक आएंगे। आधा घंटा हो गया मुझे भी वेट करते करते। अब तो सुबह के 10 बज रहे हैं और भैया अभी तक नहीं आए, और इन दोनों ने अपना घास भी ख़त्म कर लिया, और अभी ये लाल वाला बैल इस काले वाले बैल को मारने जा रहा है, बार बार मारे जा रहा है इसको। सो गाइज, फाइनली भैया आ ही गए, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, थक गई थी वेट कर करके।
रुक जा, खुल जा, खुल जा। सो गाइस, अभी भैया बैलों को जोतने के लिए ले गए हैं और मैंने अपने लिए लकड़ी बांधी है और मैं इसे घर ले जाऊंगी। और ये जो रस्सी रखी है इसमें मैं भैया को बांध के रखूंगी। ये देखो गाइस, भैया यहाँ से बैलों को जोतते जोतते आगे ले गए हैं लास्ट तक, यहाँ से तो नहीं दिख पाएंगे। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लकड़ी भी हमारी है और अब मैं भैया को भरने जा रही हूँ लकड़ी। जब वो 1 बजे घर आएंगे लंच करने तो वो इनको ले आएंगे। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि भैया यहाँ आ गए हैं और बैलों को जोतने के लिए ले गए हैं, तो अब मैं फ्री हो गई हूँ और अब घर जा सकती हूँ। तो गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।